एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का पंपिंग सिमुलेटर 2 के एक और नए मजेदार एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बहुत जल्द सिटी स्काईलाइन 2 आने वाला है। मैंने ऑलरेडी उसे डाउनलोड करके रख लिया, बस उसका रिलीज होने का इंतजार कर रहा हूँ। शायद से एक दो घंटे या तीन चार घंटे या पाँच छः घंटे के अंदर ना गेम रिलीज हो जाएगा, तो बहुत जल्द तुम्हें सिटी स्काईलाइन 2 की सीरीज देखने के लिए मिलेगी। कितने महीनों से इंतजार कर रहा हूँ भाई, 4 महीने से मैंने उसको विश लिस्ट के अंदर डाल रखा हूँ। बस कल रात को ही मैंने इसे परचेज किया और प्री डाउनलोड का ऑप्शन आया तो मैंने डाउनलोड करके रख लिया, बस रिलीज होने का इंतजार है। वैसे आज हम अपने गैस स्टेशन में क्या करने वाले मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अभी चलते हैं, जाकर चेक करते हैं आज क्या क्या चीज़ें बची है। जो पेंडिंग काम होंगे वो सारे के सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ ना एक चीज़ कि मैं $800 जमा करता जाऊँ और उसके बाद में ना मैं सीधा जो बैटरी स्टेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार जो है उसको चार्ज करने के लिए जो स्टेशन है, मैं तरह घुमा के क्यों बोल रहा हूँ, जो स्टेशन है चार्जिंग स्टेशन वो लगा लूँ, क्योंकि उससे भी ना अपनी इनकम बढ़ती जाएगी। मतलब ऐसी वाली इनकम लगानी है मेरे को जिसमें ना मेरे को खुद पर्सनली काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और अभी तो भाई पूरा अंधेरा हो गया है, मैं अभी भी अपने स्टोर में ही हूँ। हेलो, मेरे को लगा मैं अपने घर पर हूँ। मैंने शायद से लास्ट वाला एपिसोड यहीं पर स्टोर में एंड किया और यहीं पर रुक गया। पहले चलते हैं घर, जाकर ना सोकर आते वापस। The next day. तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह। हेलो जानू, क्या तुम्हें फ्लावर चाहिए? चाहिए तो बोलो, आप भी टिक करके देता हूँ। 79 तो इसका प्यार पहुंच गया है। मैं फटाफट से ना फ्लावर लेके आता हूँ, इसको देता हूँ। ये खुशी से ना फिर से दोबारा से डांस करने लग जाएगी। रात को जब आए ना तो हमारे पास में $550 थे, अभी 435 हो चुके हैं। पहले ही सारी चीज़ें कट गई। रुक जाओ, ये कितने डॉलर का है पता नहीं, जितने भी डॉलर का हो। चलते फटाफट से लेकर अपने घर। अपनी जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो हमारी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। पहले उन्हें खुश करेंगे, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर हमारा भी काम में ना मन लगे। वैसे ट्यूटोरियल का क्यों बता रहा है मेरे को हायर पंपर का? मैंने ऑलरेडी तो हायर कर रखा हूँ। जानू तुम्हारा प्यार ऑलरेडी 79। अरे वाह, अबे ये क्या था, ये क्या था, लव इज गन लाइन। अबे ये मेरे पैसे फिर कट गए $385 बचे। भाई भाई रे, ये वाला पार्ट बहुत डेंजर था भाई, सच में यार। मतलब क्या क्या है कि कौन सा बिल है जो बार बार बिल एग्जिस्ट बता रहा है? रुको मेरे को बिल चेक करने दो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल $186 का, वाटर का बिल $38, $186 का अपना सिर्फ और सिर्फ। अरे बाजार क्यों जा रहा पागल, अपने को स्टेशन जाना है। कितने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर इनकी। अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय आया तो ये पेट्रोल डालना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। चलो वेरी नाइस यार, अभी अपने को डायरेक्ट मतलब गैस स्टेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं, अपना एम्प्लॉय आएगा वो खुद ही कर लेगा। पेट्रोल का स्टॉक कितना है हमारे पास? 63% है ना, चलो ठीक है, सफिशेंट है 63%। हेलो सर, कैसे हो? $42 का ये ऑयल का डिब्बा। बाय 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 बाय। $408 हो गए है। चार्जिंग स्टेशन जो आएगा वो $800 का कुछ आ गया। ट्राई जुनामो एक्स्ट्रा राइट नाउ, ये क्या है? $249 का। अरे नहीं 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 नहीं, इसी की लोग बात कर रहे थे, मतलब कमेंट में बता रहे थे कि तुम ये अगर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो जो डिलीवरी चार्ज है वो भी नहीं लगेगा और फिर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगी। खैर करते हैं उसका कुछ, अभी फ़िलहाल में ना चार्जिंग स्टेशन का मेरे को जुगाड़ करना है। और क्या चीज़ें, ये स्प्रिंकलर लगेगा कहाँ पर वैसे? गुड मॉर्निंग, मेरे को नहीं लगता अपने शॉप में या फिर बाहर कहीं लगेगा। $850 की आर्केड मशीन है, ये भी अपने को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। वेंडिंग मशीन है $900 की, बट ये वेंडिंग मशीन ना बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की लग रही है ना। ठीक है रुक जाओ, पहले इनका बिल क्लियर कर देते होगा ना, तो हम फिर सीधा वो वाली मशीन ही ला लेंगे, चार्जिंग स्टेशन ही लगा देंगे। बट यार सोलार का जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, आज ना हम पहले सोलार का जुगाड़ करेंगे ताकि बिजली में हमें ना थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और लास्ट एपिसोड में हमने अपनी स्टोर को अपग्रेड कर लिया था तो फिर इतना ज़्यादा सीन नहीं है। $753 हो गए हैं, वेरी नाइस। और कोई है कस्टमर? हाँ चलो, तुम्हारी एक चॉकलेट है ना $450 की, ले लो। चलो हो गया तुम्हारा भी काम कंप्लीट। $825 है हमारे पास में अभी। और स्टॉक चेक कर लेता हूँ, सारा का सारा स्टॉक है अभी अपने पास में।
इधर साइड में भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बाहर कोल्ड ड्रिंक्स चेक कर लेता हूँ एक बार। कोल्ड ड्रिंक का भी हमारे पास में ना पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, सोडा और एनर्जी ड्रिंक, ये सारी चीज़ों का भी स्टॉक है। ठीक है, टॉयलेट हमारा साफ है, यस टॉयलेट फ़िलहाल में तो साफ़ है। ऑटोमेटिक वॉशिंग सेंटर पे एक बंदा जा रहा है। इसको और अगर मैं अच्छे से अपग्रेड करूँगा तो कितने पैसे लगेंगे? $1400। ठीक है, इसको $1200 और ये वॉशिंग सेंटर को $1000। वॉशिंग सेंटर को तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, बट पहले ना सोलार का जुगाड़ कर लेंगे और फिर उसके बाद में दूसरा काम करेंगे, क्योंकि बिजली बचते रहेगी। और हमने लास्ट एपिसोड में ना पानी से, मतलब पानी से कार को नहीं धोया, बहुत कम पानी का यूज़ किया है, इसलिए जो हमारा वाटर बिल है ना वो बहुत ज़्यादा कम आया है, सिर्फ और सिर्फ $38 आया है। इसीलिए मैं ना स्पंज से ही कार को साफ़ कर रहा हूँ, पैसे बच रहे भाई, वाटर बिल के अंदर जाएंगे नहीं, स्पंज को साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं, बस कार धोते जाओ, पोछते जाओ, $50 लेते जाओ। ठीक है, $50 नहीं, $63। तुम कहाँ घूम रहे थे भाई साहब? आ जाओ, टायर पंचर हो चुका है इसकी कार का। इधर साइड में एवरीथिंग इज़ गुड, वेरी नाइस। अपना एम्प्लॉय बहुत सही संभाल रहा है भाई, सारी चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अपने को टेंशन ही नहीं। हम दूसरे काम पर फोकस कर रहे हैं, वो पेट्रोल पंप संभाल रहा है। अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टोर के ऊपर ध्यान रखना है, उसके बाद में सर्विस सेंटर, मतलब ये वॉशिंग सेंटर, उसके बाद में टायर पंचर, ये तीन चीज़ मेरे को संभाल ली। और हाँ, टॉयलेट भी देखना है। मैं सोच रहा हूँ ना अंदर का काउंटर संभालने के लिए भी एक एम्प्लॉय को अगर हायर कर लूँगा ना तो बाहर की तीनों चीज़ें मैं देख सकूँगा। बट अगर एक्सपेंस की बात करेंगे ना तो फिर हमारे कितने एक्सपेंस जाएंगे मालूम? एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल कभी कभी, उसके बाद में जो चार्ज और कौन सा, हाँ एक एम्प्लॉय के चार्जेस, फिर दूसरा एम्प्लॉय आएगा उसके चार्जेस, और एक और चीज़ है बट मैं वो भूल रहा हूँ अभी। अब कितना पेट्रोल बचा हुआ है? 26%। तो भाई पहले $200 का पेट्रोल मंगा लेते हैं, क्योंकि फिर ना पब्लिक रुकी रहती है। $200 का ही मंगाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। हाँ, क्योंकि मेरे पास में ना फिर $800 बचते। चलो ठीक है, $200.8 का। अब मैं काम करता हूँ, सोलार बिठा देता हूँ। ठीक है, मैं सारा के सारे पैसे सोलार में इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, सोलार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी बिल आ रहा है। $885, रुक जाओ फिर, $885 तो नहीं, क्या हो गया क्या हो गया? अच्छा, यहाँ दो दो तीन दिन कस्टमर खड़े, आई एम सॉरी। देखो, अपने को $5-6 चाहिए थे, $165 आ गए हमारे पास में। 95 डॉलर का टोटल बिल है। चलो $129। अपना फ्यूल टैंक वाला भी बंदा आ गया। चलो ठीक है, कितने महंगे महंगे बिल हो रहे हैं, $225 के पैसे की बारिश होनी स्टार्ट हो गई है फाइनली। तेरा क्या क्या है? पानी की बॉटल, बियर और सोडा कैन। थैंक यू सो मच मैम, वापस ज़रूर आना, बाय बाय। और कोई है यहाँ पर? और कोई भी नहीं है ना। एक सेकंड देना, अच्छा हमारा एम्प्लॉय आ ही गया है ना। मैं शॉप के अंदर ना पहले थोड़ी सी खुशबू महका देता हूँ और जो फर्श है उसको साफ कर देता हूँ, है ना। साफ सफाई मेंटेन रखनी है भाई अपने को, साफ सफाई मेंटेन रखनी है। हो गया ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। स्टिल टॉयलेट एक बार चेक कर लेता हूँ, आज टॉयलेट कोई बंदा गया ही नहीं है। चार्जिंग का बिल कितना दे रहे यार, मेरे को नहीं पता, चार्जिंग का बिल भी चेक करना पड़ेगा। चलो एक और पंचर वाला आ गया। अब मैं अमेजोन से जो सोलार था, $935 भाई, $935, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये, बट चलता है। कितने टायर पंचर करने के? अरे यार उसकी हवा लगानी है ना अपने को, रुक जाओ, इसका टायर निकालने दो मेरे को, उसके बाद में उधर वो छोड़ के आ जाऊँगा। तो इधर एक मिनट रुकना, मैं इसकी हवा भर देता हूँ, तब तक ये हवा भरता रहेगा और मैं फिर उसका पंचर ठीक करता रहूँगा, है कि नहीं? मल्टीटास्कर हो चुके हैं हम, मल्टीटास्किंग करते हैं कंटिन्यू। $482 अभी भी स्टॉक है अपने पास, तो किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। $400 के अंदर अगर हम पेट्रोल भी और जनरल स्टोर का भी सामान मंगाएंगे ना तो दोनों का दोनों चीज़ इतने पैसे के अंदर हो जाएगी, और यहाँ से अपने को पैसे आ ही जाएंगे। इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा यार, ताकि ना कार थोड़ी और स्पीड से हो जाए। बट पहले मैं इसे अपग्रेड करूँगा, जो वॉशिंग सेंटर है इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे, क्योंकि ये पंप जो है, मतलब ये जो शेड है ये चल रहा है यार अभी, क्या कर लूँ इसको भी अपग्रेड? $1800 ना, क्या किया जाए। इसको अगर अपग्रेड कर लूँगा ना तो ऐसे पंप और लगा सकता हूँ तीन चार जगह से, फिर इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी पेट्रोल से ही अपनी। चलो ठीक है, देखते हैं। $22 दे दो भाई, हाँ वेरी नाइस, बाय बाय।
वापस जरूर आना। आ गया भाई सोलार, आ गया हमारा सोलार, आ चुका है। इसको प्लेस कहाँ करेंगे, बट कोई जगह है इसकी, या मैं इसको रैंडम कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ? अरे नहीं, यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा उसको, बट प्लेस कैसे करूँगा, उधर जाऊँगा कैसे मैं, कितना ज़्यादा बड़ा ये कैसा प्लेस करूँगा यार इसको। इधर जाने के लिए तो मेरे को जगह चाहिए, कुछ तो है नहीं जुगाड़ मेरे पास में। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक मिनट देना सर, मैं आ रहा हूँ। जम कर भी वहाँ, अरे नहीं भाई, ये ऊपर अगर चला जाता ना पार्सल मेरा तो हो जाता, नहीं ये उधर चिपक जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा उसका। यार ये क्या दिक्कत हो गई, स्टोर में ऊपर जाने के लिए तो वो है ही नहीं मेरे पास में, और स्टोर को अगर अपग्रेड करूंगा तो अलग से पैसे लग जाएंगे अपने को। कितने लगेंगे वैसे स्टोर को अपग्रेड करने के पैसे? $1,650। कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक सहेंगे, समझ नहीं आ रहा। अरे रुक जाओ ना, मेरे को और भी काम है, दूसरे काम करने जा रहा हूँ। ये इधर आ जा रही, कैशर बुला लूँ क्या? एक कैशर बुला लूंगा, दूसरा काम करता रहूंगा ना मैं। हाँ कैशर को हायर कर लेते, चलो बाजार के थोड़े से एम्प्लॉयज हायर करने की। जाने दोगे मेरे को तुम लोग, हैं जाने दोगे? कब से जा रहे कर रहे हो भाई, जाने नहीं दे रहे। अब हो गए ना, हो गए, क्लियर हो गए। डस्टबिन में कितना कूड़ा कचरा है, और पूरा का पूरा कूड़ा कचरा फुल हो गया अपना। चलो एक काम कर दो, एक कैशियर ना मैं हायर कर ही लेता हूँ ना। कहाँ गए वर्कर? ये एक वर्कर है मेरे पास, मैक्स मैनेजर स्किल ये वाला बंदा। आई गेस मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि ये सारे काम करता रहेगा, जैसे हम मल्टी काम कर रहे हैं ना, कभी पंचर ठीक कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, शायद से ये भी वैसे काम करेगा। ये डेजी है, डेजी की कैशियर स्किल्स है। क्या किया जाए, डेजी को बुला लूँ क्या? डेजी कम ऑन, नहीं जमेगी तो हम बंदी को भिजा देंगे, उसमें क्या है। प्रेस माउस ओ टू प्लेस टू द स्पेसिफिक, अच्छा आप भी टिक करके देते हो, रुको मेरे को वहां तक पहुंचना पड़ेगा कुछ जुगाड़ से, तभी कुछ होने वाला है, वरना मुश्किल है। बट जाऊंगा कैसे मैं, मेरे को ये बता दो तुम, हैं जाऊंगा कैसे मैं वहां पर? यार ये थोड़ी सी ना मेरे को ऐसा लग रहा है गलत इन्वेस्टमेंट हो गई है अभी। क्या मैं इधर चढ़ सकता हूँ इसके ऊपर भी? अगर छेद पे पैर रख दिया ना तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। दो दो सोलार लगा दिया तो भाई एनर्जी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में। एक कार वाले बंदे, तू मेरी मदद कर सकता है क्या? रुक जाओ, मेरे को पहले ये पसारा इधर फेंकने दो, वरना चोर आएगा ना लेकर चला जाएगा। इसके पंचर ठीक कर लेता हूँ ना। $1,113 पैसे हो गए हमारे पास, मतलब कुछ ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहे हम, हैं कुछ कुछ मतलब सोचो तुम, कुछ कुछ ज्यादा ही स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है हमारा। चलो तेरा फ्रंट क्लियर हो गया, ये बैक क्लियर हो गया, दे $63 और निकल ले यहाँ से। वेरी नाइस, तेरे दो दो पंचर है ना, चल तेरे भी पंचर ठीक कर देता हूँ मैं पटाक से। चलो भाई ये पूरे के पूरे टायर लगा दिया, हवा वाले बंदे का टायर भी बिल्कुल रेडी हो गया होगा, ठीक है, वेरी नाइस। हमारी कैशियर बंदी आई है, हाँ आई है, आइए यहाँ पर काम करना स्टार्ट भी कर दी इसने। अरे वाह भाई साहब, बड़ी खूबसूरत नहीं है ये? भागना नहीं है, भागना नहीं है, काम करते रहना है। ये फ्रिज के ऊपर भी अगर मैं चढ़ गया, अरे यार चढ़ जा भाई, चढ़ जा भाई प्लीज, चढ़ जा भाई यार, चढ़ जा भाई, मैं कैसे करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे यार, मैं कैसे सोलार लगाऊंगा ऊपर। टंकी में कितना पेट्रोल है? 16 भाई, 16 खाली 16 लीटर, मतलब ले $350 ले और पूरी टंकी फुल कर दे। अच्छा यहाँ से मैं स्टेशन ओपन, 5वां एपिसोड है ये इस गेम का, और मेरे को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ से स्टेशन, मैं देखता क्यों नहीं हूँ चारों तरफ, मेरे को जितना मतलब सामने दिख रहा है ना उसके आसपास 1-2 सेंटीमीटर आजू बाजू देखता हूँ मैं, बाकी का नजर ही नहीं पड़ती मेरी। वाह भाई 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 भाई, बहुत ही बाट नहीं हो गए। मोर व्हीकल का $400 का अपग्रेड आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये बिल दोनों भी पे कर देता हूँ भाई, वरना अगला बिल आएगा ना बहुत बड़ा आएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। तेरे को किस, अरे मैंने तो बुलाया अभी, अपना पेट्रोल वाला बंदा देख लेगा, सीन नहीं है। हम पंचर ठीक करेंगे, $100-150 सिर्फ पंचर के लेंगे। इंडियन करेंसी में $100 के कितने हुए वैसे? 6,500-7,000 के करीब आएगा। यस, 7,000 रुपये का तुम्हारा भाई सिर्फ पंचर ठीक करता है, ठीक है, क्योंकि हम लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास में ना हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। चलो भाई ये वाला भी पंचर हो चुका है, ठीक। पैसा कितना? $54 तो यहाँ का है ना, $150 अपने को यहाँ का मिला।
पुलिस वाले आ जाओ, बिंदास आओ, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं क्या करूँ, पूरा किराना भर लूँ क्या? किराना भर लूँगा ना, मेरी इनकम आती रहेगी, क्योंकि देखो पेट्रोल फुल हो गया, सिर्फ किराने बचा हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना जोमेटो में जाता हूँ, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ $250 का, ठीक है? और अभी मेरे पास में 693 डॉलर्स बोल रहा हूँ भाई, डॉलर्स है, तो मैं काम करता हूँ सारा सामान एक एक मंगा लेता हूँ, ठीक है? जितना भी हमारे बजट के अंदर आ रहा है सारे पैसे इधर ही खर्च कर देता हूँ, टेंशन ही नहीं। एक ही टाइम में बंदा आएगा, काम करके देगा। और ये पूरा सामान आ जा रहा है भाई, पूरा का पूरा टोटल सामान आ जा रहा है, देखो तो भी $600 हो गए ना। ये कॉफ़ी और $736, तो ये डिटर्जेंट मेरे को आएगा से रिमूव करना पड़ेगा डिटर्जेंट, क्योंकि अभी तक तो इतना ज़्यादा लगा नहीं है, तो थोड़ा सा इतना सफिशेंट है, यस इतना सफिशेंट है। पूरे का पूरा ऑर्डर कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ $5 बचे हुए मेरे पास। कोई तो गया टॉयलेट यूज़ करने, यस फ्लश की आवाज़ आई मेरे को, कोई तो बैठा हुआ है अंदर। बाय 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 बाय, इतना लहराते हुए क्यों जा रहा है कस्टमर? क्या खुश होना स्टार्ट हो गए अपने? मेरे समझ में नहीं आ रहा किस बात का इतना हाथ हिला रहा था वो। मैं रेटिंग तो चेक करूँ जरा अपनी। अरे वाह 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 वाह, एक एक स्टार, चलो कम से कम रेटिंग मिलना स्टार्ट हो गई है। डेकोरेशन नहीं है ना, डेकोरेशन मैं कर दूंगा, डेकोरेशन का तो तुम लोग टेंशन लो ही मत। ए अरे व्हाट, अरे हमारी एम्प्लॉय अरे ये तो देखी थी मैंने, कितनी ज्यादा स्वीट से आ रहे हैं, व्हाट कितनी ज्यादा स्वीट से आ रहे हैं। अरे ये देख रहे हो, चार चार टायर पंचर है इसके। एम्प्लॉय फटाफट से काम करना स्टार्ट कर दो। क्या ये खाली हो गया? रुक जा, क्लीन कर दिया ना मैंने, हो गया खत्म, टेंशन नहीं। 1 2 और अंदर जा। तुम्हारे भाई की थ्रो बहुत ज्यादा डेंजर हो गई भाई, बहुत ज्यादा डेंजर। 1 2 और टन टन टन, चलो ठीक है, एक मिनट आ रहा, रुक जाओ। चार चार टायर कैसे पंचर होते एक साथ हैं? कहाँ कांटों पे चला रहा था कार? तेरी कार साफ कर रहा है ना, रुक जाओ, तेरी भी कार मैं साफ कर देता हूँ फटाफट से। वाटर बिल तो आज जीरो आने वाला है, और तुम शाम तक अपना रेवेन्यू देखना। अरे साफ ही नहीं हो रहा भाई ये है, वॉट पानी की क्या जरूरत पड़ेगी मेरे को? रुक जाओ थोड़ी देर लगने दो। नहीं पानी नहीं, हो रहा है, देखो इससे स्पंज से ना बहुत धीरे हो रहा है, बट हो गया, चलो सीन नहीं है। हमारी एम्प्लॉय सामान रखते जा रही है, अब तक हम म्यूजिक कितनी रिलैक्सिंग चल रही है पीछे, पता नहीं कौन सा गाना है। चार टायर के तो $250 तो मैं इसके इजीली ले लूंगा, दो टायर के हम $150 लेते हैं। नहीं चार टायर के फिर तो $300 होने चाहिए, यस $300 चार्ज करने वाले हैं अब हम, देखना तुम। $68 आ गए भाई, $5 बचे हुए थे, अभी बज रहे शाम के 16:55। आज तो नहीं देख सकते क्योंकि दिन एंड हो जाएगा ना, या फिर स्टेशन ओपन ही रहने देंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ तो ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे, तो हम दूसरा हमारा काम करते रहेंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ उनका काम करते रहेंगे, सैलरी दे रहे हैं भाई। बट सुबह होते ही सैलरी देने के लिए भी हमारे पास में पैसे होने चाहिए, रात तक चला आते आज थोड़ा सा पम्प पम्प तो अच्छा रहेगा। हो गए दो टायर बन गए इसके, और आज चोर आया, बहुत सही टाइम पर मेरी नज़र पड़ी। आ जा इसको आने दो, इसको चोर को आने दो, ये आएगा ना इसको बताता हूँ मैं क्या उठा कर लेके जाएगा। तू आ जा, सामान उठा, सामान उठा। अरे चल साले, तीन चार बार डंडा घुमाने के बाद में नहीं लगा, पांचवे अटेम्प्ट में उसको डंडा लगा है। कारवार लेके आता ना तो अभी तक तो सामान उठा के भाग जाता था। ओ वॉशिंग सेंटर पे अपने दो दो बंदे खड़े हुए, आ रहे हो, एक मिनट देना यार, शाम हो गई है अभी तक मोटी कमाई हुई नहीं, जो कमाई होगी वो यही होगी। अरे हाँ बिलिंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉय है डेजी, वो अभी सामान रखने के अंदर बिजी है, इसीलिए मोटी कमाई अब होगी। नहीं ये तो $54 की वॉशिंग की कमाई हुई ऑटोमेटिक वॉशिंग सेंटर की। मैनुअल वॉशिंग सेंटर पर दो बंदे खड़े हुए और हवा की दुकान पर एक बंदा खड़ा हुआ है। चलो कितने पैसे देगा भाई, ज़्यादा दे तो बढ़िया बात होगी, प्लीज ज़्यादा पैसा दे। $300, यस मैंने कहा था ना, चार टायर पंचर ठीक करने के, चार टायर के हम ले रहे हैं $300। वेरी 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 एक्सपेंसिव स्पंज से, देखो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारे काम कर दूंगा धीरे धीरे, लगने दो टाइम।
कौन सी गड़बड़ है? अरे नींद आना स्टार्ट हो गया भाई बंदे को, नींद आना स्टार्ट हो गई है। चलो हो गया ये क्लियर। अरे यार तेरी तो हवा भर दिया था ना मैंने, तो खामा खा रुका हुआ इधर। यहाँ पर ये लोग नहीं, यार मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी। चोर आया क्या? हाँ चोर आया। अरे इतने सारे चोर, डंडा की नहीं लग रहा तेरे को हैं? डंडा की नहीं लग रहा साले, अगली बार आइयो मत, अगली बार आएगा मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ यार। अब ये क्या है, पिक ग्लास क्लीनर। डिब्बे में से एक भी निकाल सकता हूँ मैं, वेरी नाइस। मैं अब ये बाकी के ग्लास क्लीनर कहाँ रखूँगा? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ग्लास क्लीनर को ना मैं खुद ही प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा स्टोर, वाह भाई रैक पूरी फुल हो गई। एक और रैक आई गेस मेरे को मंगानी पड़ेगी, सामान रखने के लिए अब जगह नहीं है। तू चोर का वो करती रहेगी क्या? मैं एक काम करता हूँ, रुको मेरे को भरोसा नहीं आ रहा भाई, ये अंदर जाओ। सारे डिब्बे यहाँ से ना थ्रो कर देता हूँ मैं, और ये भी बारी बारी ना जाकर ग्लास क्लीनर रख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अमेजोन से, हेलो हेलो हेलो, मैं अमेजोन से ना एक रैक मंगा लेता हूँ सामान रखने के लिए, शेल्फ मंगा लेता हूँ $150 का। आया भाग के, जल्दी आ भाग क्या, जल्दी से आ, दौड़ता दौड़ता, टाइम नहीं है मेरे पास में। ये क्या है, ये कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी जाएगी इधर। ये सॉस है ना, सॉस भी जाएगा इधर। रैक फुल हो जाएगी भाई हमारी, पूरी की पूरी कंप्लीट रैक फुल हो जाएगी। हेलो अमेजोन वाले रात को नहीं आते शायद से, देखो अभी कितनी देर हो गई, अमेजोन वाले आया नहीं। भाई कितना सारा स्टॉक हो गया है हमारे पास, कितना सारा स्टॉक हो गया हर एक चीज़ का। अरे नींद आ रही है पता है, रुक जा बस मेरे को सामान ऐड करने दे दो, बहुत नींद आ रही है पता है मेरे को, तू थक गया है दिन भर काम करता रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फैमिली को खुश रखने के लिए। यार फ्लावर लेकर जाना पड़ेगा वाइफ के लिए, और काम पर जाने से पहले ना थोड़ा सा समझ रहे हो। बस चोर 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 चोर, जब तक सामान पड़ा है तू आता रहेगा। कितने तो चोर मैंने ऐसी लुढ़का दिए इधर, दिमाग खराब कर रहा है भाई। मेरी इम्प्लॉय ना शायद से चली गई है, नहीं नहीं खड़ी हुई है, वो दोनों चीज़ें देख रही, कस्टमर भी देख रही है, और यहाँ से सामान उठाना है तो वो भी चेक कर रही है। खैर मैं फटाफट से ना अब सारा सामान रखता हूँ और घर जाता हूँ। शेल्फ इज फुल, ओके तो ये डिब्बा इधर रख देता हूँ अभी अंदर। नहीं 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 बंदे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है इसको। इतना तो काम ना, काम तो किए भाई, दिन भर काम किए। ये लास्ट पानी की बॉटल है, इसको इधर ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैं चला सोने, तुम लोग काम करते रहो, ऑल राइट। या फिर काम कहाँ करते रहो, मेरे को क्या है, जब तक करना है करो। मैं चलता हूँ अपने घर। जान वैसे मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आना भूल गया, इसीलिए जो काम बचा हुआ है वो हम सुबह को निपटाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं पहले जाकर फ्लावर लेके आऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जा, अलार्म रोज बजता है, उठता ही नहीं। $165 ही बचे भाई, अब भी आ रहा हूँ मैं, रुक जा, अब भी आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत ले तू, सबर नहीं होना रहा तेरे को, रुक जा मैं अब भी आ रहा हूँ बस फ्लावर लेके। बगैर यार हमारी गर्लफ्रेंड का सीन ऐसा है, वो फ्लावर देती नहीं भाई अपने को, मतलब बगैर फ्लावर के दे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैडम मैडम फ्लावर दीजिए जल्दी से, मुझे जाना है, अर्जेंट है। कहा गया घर घर घर, जल्दी चलो भाई, बस वाले जल्दी छोड़ मेरे को वहां पर। बेबी मैं घर आ गया, या दिल मिलेगा आज बहुत जोर से, डू डू डी ढा डू डू टंटना टंटना टीरी री 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 री, आज तो पूरा का पूरा दिल मिलाऊंगा। यस यस, इतनी फास्ट सर्विस, व्हाट? अरे थी स्टोलन एंड वाटर, अरे चोर ने चुरा कर लेकर चला। अरे तू कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, क्या ये, वेयर इज माई कैंडी प्रिंसेस, यर इज योर, अरे सॉरी सॉरी मैं तेरी कैंडी लेके, अरे दरवाजा बंद कर बाहर चला जाएगा ये, इतनी फास्ट, अरे खूब शर्म नहीं आती तेरे को, अरे भाई कैंडी। अरे ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से ये क्या हो गया भाई, पानी चुरा कर लेकर चला गया चोर ने। खैर तू तू घर में खेलता ना, मैं तेरे लिए आते आते ना कैंडी लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। चलते फटाफट से स्टेशन भाई, क्या क्या कर रहे हैं हम गेम के अंदर आजकल, हैं क्या क्या कर रहे हैं हम, पता नहीं बस
किए जा रहे। फ्यूल इज लो, ओ माई, अरे जा रहे। चोर सामने। ये पानी दे, चल साले। अरे शेल्फ उठाकर लेकर जा रहा था, मैं छोड़ ही नहीं सकता इधर सामान। पता नहीं क्या क्या चुरा कर लेके गया होगा, मैं सामान नहीं छोड़ सकता भाई इधर, बहुत दिक्कत हो जाती है अभी। चलो ये शेल्फ लगा दी हमने इधर, बहुत ज़्यादा गंदी दिक्कत हो जाती है अभी, बहुत ज़्यादा। शेल्फ इज फुल अभी भी, चलो ठीक है इधर रख देता हूँ मैं सामान। यार ये इसका कैसे करूँगा जुगाड़, कैसे प्लेस होती है एक तो मैं वो भूल गया। ठीक है जो भी है, सोलार को ना थोड़ा सा अंदर ही रख देता हूँ मैं, चोर लेकर ना जाए साला, चोर लेकर जाएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। फ्यूल इज वेरी वेरी लो, $95 है ना, रुक जाओ $95 का फ्यूल मंगा लेंगे हम, कोई बात नहीं जितना पैसा है सारे पैसे का फ्यूल मंगा लेंगे। तुम काम नहीं कर रही हो अच्छे से, कर रही हो ना हैं? अरे हाँ बड़ा बिल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि, अरे ये वाली लेडी को, मॉर्निंग मॉर्निंग, इस लेडी को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बड़ा वाला बिल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास फ्यूल ही नहीं था ना। ए देखो ये फिर आया, हथौड़ी मार सकता तेरे को हैं? हथौड़ी नहीं मार सकता, कहाँ जा रहा है साले, परेशान कर दिए मेरे को, सामान चुरा चुरा कर लेकर जा रहे बार बार। इसको कर दिया मैंने खाली, हो गया अब कितना, 25% पेट्रोल आया है यार, 25% खाली मैंने कर लिया हूँ, तू वापस चल ले अपना काम करने के लिए, वापस चल ले, चल टाइम पास मत कर जाकर। आज ना चोर हमारे पास में ज़्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ थीव्स विल विजिट योर स्टेशन मोर ऑफन 2 days रिमेनिंग। हाँ वो जनरल स्टोर कुछ तो हमने सब्सक्रिप्शन लिया, ज़्यादा सामान मंगाएंगे इसलिए चोर ज़्यादा आ रहे हैं। खैर एक एक स्टार की रेटिंग बढ़ गई भाई अपनी, वेरी नाइस। ये देखो द फ्लोर इज प्रीटी बैड, 2-star रेटिंग तो भी दे दिया मेरे को। फ्लोर इतना भी नहीं गंदा है, हैं इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं है फ्लोर। हो गया चलो क्लियर हो गया। चलो भाई इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी अब अपनी, कब से रुका हूँ मैं, कितनी ज़्यादा देर हो गई, कार आ ही नहीं रही थी। थोड़ा सा फ्यूल का ना बड़ा बड़ा फ्यूल मंगाना पड़ेगा अपने को, इतने 25% फ्यूल तो वो 3 car के अंदर ही चले जाने वाला है। हेलो मैम कैसी हो? हो गया क्या $118 हो गए मेरे पास में? नहीं $118 हो गए, अभी $150 हो जाएगा ना तो पूरे के पूरे $150 का मैं फ्यूल मंगा लूँगा। क्या लेकर गया? अरे वाह 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 वाह, क्या लेकर जा रहा है बताना? सोलार तेरे बाप का है, हैं? सोलार तेरे बाप का है, चुरा कर लेकर जा रहा है तो? और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर हैं? तुम्हें काउंटर भी देखना है? अरे इधर कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1 second है जी, $2,300-2,400 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ओके मैं कलेक्ट करना भूल गया, मेरे जैसा नूब तुम्हें कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ। खैर $2,400 वहाँ पड़े हैं हमारे पास में और यहाँ हम पाई पाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे को लगा सेल हुआ नहीं और इसीलिए अपने पास में पैसे आए नहीं, बट ऐसा था ही नहीं, हमने कलेक्ट ही नहीं किया काउंटर से पैसे। चोर के ऊपर नज़र रख, ये देखो एक और चोर आया, दिखा सामने, ठीक मेरी आंखों से देखो, सामने नजर आएगा, आ जा तू नज़दीक आ बस। चोर कुछ ज़्यादा आ रहे भाई, कुछ ज़्यादा चोर आ रहे यार, इतना टाइम नहीं है, वो चुरा कर लेकर चला जाएगा। ये लो थोड़ा सा पानी ले लो, अब हो जाएगा ना क्लियर। अरे जाना कितनी कार धुला रही है, हुई नहीं तेरी कार अभी भी साफ। अरे भाई रुक जा, ऐसी रुक मैं अभी आ रहा हूँ, वो चोर आया ना, डंडा निकालूंगा, दुकान के बाहर ही नहीं आने दूंगा या दुकान के अंदर ही। चल 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 निकल साले, $2,400 क्या अभी फ्यूल, अरे फिर फ्यूल ख़त्म हो गया भाई। ये लो $463, फुल टंकी आ गई, पूरी की पूरी टंकी आ जाएगी। एनी वाटर बिल आई हैव? नो बिल्स, एक भी बिल नहीं है अभी हमारे पास में। ये स्पंज साफ करना पड़ेगा, पानी बहुत ज़्यादा चला जा रहा है इसमें, पता नहीं कहाँ से गंदी है ये, दिख तो नहीं रही मेरे को कहीं से भी। क्या तुम गंदी आप हुई ना इतनी देर के बाद में, अब हुई है 1 second देना, बंदा आ रहा है, कितना हुआ ये फुल में हुआ अभी, यहाँ क्यों थ्रो कर रही हो मैम? मैंने जब बाजू में डस्टबिन लगाया वहाँ थ्रो करो ना, चोर क्या। और अरे यार ये चोरों ने बड़े परेशान कर दिए भाई, तुम ना निकल जा, रात में तो मैं नहीं रख सकता सामान इधर, मैं बिल्कुल सामान रख ही नहीं सकता इधर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं अपनी शॉप को ना और अपग्रेड कर रहा हूँ,
और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। देखो तुम, या फिर शॉप को अपग्रेड करूँ या सोलार को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तो सोलार को रहने देते, जो पेट्रोल स्टेशन है ना वो अपग्रेड कर लेता हूँ मैं $1800 का, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर ज़्यादा पंप्स रहेंगे, ज़्यादा कार्स आएगी, ज़्यादा पैसे हो गए, हाँ वो कर लेते हैं हम, ये ज़्यादा सही प्लान रहेगा। है तेरे पास कुछ और नहीं ना? $2000 अभी भी पड़े हुए हैं, लेट्स गो, चलते हैं हम अपने पंप को अपग्रेड कर लेते हैं। वेरी वारी 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 नाइस। तेरी ऐसी की तैसी, इतना मारूंगा पोर्टल के भारी खड़े जाता, रुक जाओ, ये पोर्टल से जैसी कोई आएगा मार खाएगा, मैं जा नहीं सकता हूँ यार इसके अंदर, तू निकल, मैं इधर ही खड़ा हूँ, तू बस आ यहाँ से बाहर आ, तेरे को बताता हूँ मैं, तू आ बेटे, तू आ, कील ठोकूंगा तेरे टकले में मैं। वैसे हमने जितनी मेहनत की उसका फल मिल गया अपने को। अरे मैं बोला ना तेरे निकलते ही मारूंगा साले, भाग यहाँ से, निकलते ही दूंगा भाई उसको, निकलते के साथ दूंगा। काउंटर में पैसे कलेक्ट हो रहे हैं अपने, टेंशन नहीं है, काउंटर के अंदर पैसे आ ही जा रहे हैं। अरे फंस गया मैं, चलो 1 2 3 लेट्स गो। क्या जाएगा ये अंदर? ना नहीं गया, शॉप के नज़दीक भी नहीं आने दूंगा तेरे को मैं, दूंगा तेरे को, तोड़ूंगा, खूब तोड़ूंगा। पैसा कितना जमा हुआ है यहाँ पर? फाउंड नथिंग इलीगल, मेरे को पता था, $500 हो गया ना, लाओ दे दो $500। अब टायर पंचर करना है, मैं एक काम करता हूँ अमेजोन से ना वो मशीन अपनी ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? कौन सी? अपनी पेट्रोल स्टेशन वाली, ये जो पंप है $400 का, दो ऑर्डर कर ले, तो दो ऑर्डर कर लिया मैंने सीधा सीधा। 89% पेट्रोल है, मैं थक गया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मैं थक गया हूँ। पुलिस वाले इसको लेकर जा, इसको लेकर जा, साले को परेशान कर दिया है। आ गया भाई एक पंप आ गया अपना, चलो दो दो पंप मंगा लिए हमने, टेंशन ही ख़त्म। इसको प्लेस कर देता हूँ कुछ यहाँ से, ठीक है, और इसको भी लगा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया, ये वाला एक काम कंप्लीट हो गया। $163 स्टिल हमारे पास में है, ठीक है, ये तो जाना चाहिए भाई, ये तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हेलो जानू कैसी हो? यहाँ पर भी कार लगना स्टार्ट हो जाएगी ना अब। यस, ये अपग्रेड का क्या बता रहा है? वार्निंग, पता नहीं किस चीज़ की वार्निंग बता रहा है, जो भी है। एम्प्लॉय काम करने लग जाओ फटाफट से, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। साले निकल, दिमाग खराब करके रख दिया भाई, दिमाग खराब करके रख दिया। ले $130 और आ गए, चलो एक काम करते रह गए, अपना एम्प्लॉय पेट्रोल देख रहा है, मैं जब तक कार वॉशिंग देख लेता हूँ, है कि नहीं, चलेगा धीरे धीरे काम चलता रहेगा, कोई बात नहीं। $300 है हमारे पास भाई, हमने जो ग्रॉसरी के अंदर इन्वेस्ट किया और जो अपने गैस स्टेशन में पंप लगा लिए और जो सोलार लगा लिया ना, बहुत सही तरीके से हम अपने गैस स्टेशन को चला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको, आने वाले फ्यूचर में ना अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तुम देखना, बहुत दबा के पैसे कमाएंगे हम, बहुत ज़्यादा दबा के। हो गया क्लियर, चोर को पहले भगा देता हूँ ना, चोर आने में ही होगा, हाँ चोर आने में ही है, इसको पहले मारते हैं और उसके बाद फिर पंचर ठीक करेंगे, क्योंकि हम पंचर ठीक करते रहेंगे और बंदा आकर चला जाएगा सामान उठाकर। वो पोर्टल के अंदर घुस गया ना, मेरे $850 समझ लो गए, फिर पानी में गए पैसे। ऑलरेडी बिस्लेरी की बॉटल उसने चुरा ली अपने पास से। हो गया तेरा पंचर ठीक, वेरी नाइस। पेट्रोल के ऊपर नज़र रखनी है, टंकी में कितना पेट्रोल है हमारे पास में। मन तो कर रहा है कि एक और एम्प्लॉय को मैं हायर कर लूँ, ताकि ये दूसरा काम भी देखता रहे या फिर साफ सफाई देखती रहे, क्योंकि तीन काम तो मैं अभी संभाल ही रहा हूँ। ट्रेस वाले को बुला लेता हूँ यार। हो गया तेरी कितनी हवा बची है? 57% ना, खड़े रहे आराम से, खड़े रहे, मैं निकालता हूँ वो, मैं साफ सफाई का थोड़ा देखता हूँ। आ गया, वेरी नाइस, पूरा एकदम चगमगा देंगे, गैस स्टेशन को साफ कर देंगे, डेकोरेशन के लिए चीजें मंगा लेंगे। पता था मेरे को पता था तू आएगा चोरी करने के लिए। अरे पड़ जा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज, अच्छा लेवल बढ़ गई, अरे 2 स्टार हो गए भाई, 2 स्टार। मैं काम करता हूँ यार, ये जो मेरे पास में सोलार है ना, इसको मैं अपने वेयर हाउस के अंदर रखता हूँ और फिर देखते हैं हम क्या अपने पास में स्टिल वो चुराने के लिए आएगा, नहीं पता मेरे को आएगा कि नहीं, मेरे को नहीं लगता नहीं आना चाहिए, फील तो आ रहा है, पता नहीं,
गंदा है नहीं है। चलो भाई चलो चलो चलो, चार डस्टबिन और चाहिए मेरे को। हवा भर गई ना तेरी? चल ठीक है, $500 हो गए मेरे पास में, $508 हो चुके हैं। एक मिनट ट्रैश वाले को भिजाने दो। ये ट्रैश वाला गया, $8 देकर गया। पानी से साफ नहीं, ये तो स्पंज से हो जाएगा, ये इजीली हो जाता है। जो धब्बे दिक्कत आते ना वो इजीली साफ हो जाते हैं। अरे आइटम ब्रोकन, व्हाट, स्पंज खराब होता है? अरे यार मेरे को लगा स्पंज खराब नहीं होता, अनलिमिटेड है। मैं करके उसी से साफ किए जा रहा था। खैर जो भी है, हो गया साफ। ले तेरी भी कार रेडी कर लेता हूँ पूरी की पूरी। पिचकारी से ना दूर से खड़े रहो, आराम से पिचकारी मारो, सारी चीज़ें साफ हो जाएगी और बहुत स्पीड से साफ होती है। हो गया क्लियर, वेरी नाइस। अब क्या बचा है? फिर आया ही होगा चोर, देखना। नहीं आया, चलो ठीक है। शाम का टाइम हो गया भाई, शाम का टाइम हो गया। कलेक्शन कितना हुआ है अपने पास? $960 चोर मेरे को नहीं लगता अब आएगा। वो एक डिब्बा बाहर रखा हुआ था ना जिसकी वजह से चोर आ रहे थे, अब मेरे को नहीं लगता चोर आएंगे। और वैसे मैंने रैक की जगह, जो हमने शेल्फ मंगाया है उसकी जगह ना, मैं अगर वो मंगा लेता ना, कूलर मंगा लेता, फ्रिज, वो ज़्यादा बेटर रहता। अरे फ्यूल मेरे पास में कम है, एक सेकंड देना मेरे को। ये फटाफट से ना स्क्रू खोल के मैं फ्यूल ऑर्डर कर देता हूँ। कितना फ्यूल है ख़त्म होने पे ना? ले पूरी टंकी फुल रखो भाई, रिस्क लेना ही नहीं है। रेटिंग चाहिए अपने को, कस्टमर आते रहना चाहिए, पैसे की जो सोर्स है, जो इनकम है, वो ऐसी बढ़ती रहना चाहिए, रुकना नहीं कुछ भी, बस चलते रहना चाहिए। हो गया क्या भाई, क्लियर हो गया? हाँ, ये एक टायर बन गया, और दो टायर है, नहीं एक ही टायर और है। यार अभी तक चोर देखा भी नहीं और उसकी आवाज़ भी नहीं आई। मेरी एक चीज़ ये अभी समझ नहीं आ रही, क्या उसने वेयरहाउस के अंदर से लेकर तो नहीं चला गया? अगर लेकर गया होगा तो $850 का भाई नुकसान होने वाला है अपने को, $850 का नुकसान। ठीक है, हो गया क्लियर, चलो वेरी नाइस। जाकर चेक तो करता हूँ मैं, चोर दिख तो नहीं रहा अभी मेरे को। वैसे आया भी होगा या नहीं आया होगा, वेयर हाउस में आएगा, सिक्योरिटी होगी। है यार सामान तो मेरा इधर ही रखा हुआ है, चलो सीन नहीं है। कैमरा लगा देना पड़ेगा वेयर हाउस के पास मेरे को एक, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे टॉयलेट गंदा ही नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्यों, टॉयलेट है ना ऐसा हमेशा साफ ही रह रहा है। फ्यूल वाले तो देख रहा है ना उसको, चल ठीक है टेंशन नहीं है। मैं डस्टबिन 4 और मंगा लूँ पहले अमेजोन पर ना, चेक करते हैं क्या और क्या क्या है हमारे ऐसे काम की चीज़ है जो हम लगा देंगे तो हमारी इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। सिक्योरिटी कैमरा, वेंडिंग मशीन, आर्केड मशीन मंगा रहा हूँ मैं। एक आर्केड मशीन चाहिए अपने को, क्योंकि ये भी अपने को पैसा देती रहेगी। और लैडर आ गया ना अपने पास, $200 का लैडर भी मंगा लेता हूँ। लैडर से हम ऊपर चढ़ कर चले जाएंगे ना यार, लैडर को पहले देखा ही नहीं मैंने, क्या ही बॉट। वैसे तुम लोग को लगता होगा, बहुत सारे जो नए जुड़े हैं चैनल पर, उन्हें लगता होगा कि मैं प्रो हूँ, बट ऐसे नहीं है, मैं प्रो बॉट हूँ। ठीक है, तो ऐसे मत समझ लेना और नेटफ्लिक्स भाई तुम प्रो हो, ना 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 ना, नो आई एम नॉट प्रो। मैं खुद मानता हूँ, जो चीज़ में नहीं है तो नहीं है, जो चीज़ में है तो है, क्या ही कर सकते हैं। अब क्या रख कर गया इसने, ये लैडर है ना, लैडर कहाँ रखी जाएगी? अच्छा लैडर इधर से आएगी ना, हाँ लैडर इधर से आएगी, बैक साइड से। एंड व्हाट इज़ दिस, वेंडिंग मशीन कहाँ लगेगी? वेंडिंग मशीन इसके बाजू नहीं, इधर लगा दो वेंडिंग मशीन। आगा भाई वेंडिंग मशीन आगा भाई, अब इसके अंदर से भी अपने को पैसा मिलता रहेगा। मैं जाकर ना सोलार लेकर आता हूँ, सोलार लगाता हूँ। दो दो रेटिंग हो गई यार, ये वाली कितनी रेटिंग हुई है इसमें? कुछ एक एक दो दो स्टार मिल रहे भाई, ज़्यादा मिल रहे अब स्टार्स। अब थोड़ा डेकोरेशन, थोड़ा ये, थोड़ा वो, सब ऐड कर देंगे। कहा गया सोलार, चलो ठीक है बंद हो जा भाई। चोर आया है, क्या लेने के लिए आया है? है क्या चुराएगा तू, देखने दे मेरे को, मेरे को देखना है तू चुराएगा क्या। इतने उससे तो आ रहा है, वेंडिंग मशीन तो नहीं उठा के लेके जाएगा इसकी ऐसी की तैसी है? क्या उठाया, जमीन से कुछ उठाया भाई, नहीं पता क्या उठाया, खैर जो भी उठाया होगा। सीढ़ी यहाँ से ऊपर और ऊपर से, अच्छा इसके ऊपर तो चढ़ रहा हूँ मैं, ई टू यूज, ठीक है खुद ऑटोमेटिक। अच्छा वाह, बड़ा सही एनिमेशन है,
और अच्छा बस मैं जंप लगा रहा था खामखा, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, आज देखो सिर्फ 7 पॉइंट, अच्छा ये प्रोड्यूस करे जा रहा है अभी। ये जानू मेरी जान, आर्केड मशीन पर कोई क्यों नहीं आ रहा, मेरा एम्प्लॉय तू काम कर रही है ना हैं। अरे वाह, 1163 डॉलर का हमारे पास में टोटल वो हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कलेक्शन हो गया है। मेरे को बस एक मिनट देना, मैं एक और सोलार लगा रहा हूँ इधर, मैं एक और सोलार लगा रहा हूँ। हो गई तेरी हवा भड़ गई, चल निकल। ये तुम्हारी कार गंदी थी वो भी चेक कर लेते यार, धुला लेते मेरे पास से कार, ज़्यादा बेटर रहता। ये हो गया सब, नींद आ रही भाई बंदे को नींद आ रही भाई। यार मैं सोच रहा हूँ एक बच्चे से ना काम नहीं होने वाला, ज़रा फौज रहेगी ना अपनी वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, दिल बनाते जाएंगे भाई, दिल बनाते जाएंगे। तुम्हें याद है हमारा एक बच्चा इंटरनेट कैफे सिम्युलेटर में भी था वहाँ पर मतलब इतना प्रैक्टिकल नहीं हुई थी चीज़ें, इस गेम में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है। चलो भाई पूरे के पूरे टायर बना लिया, ये वाला काम हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है अब कुछ नहीं है चोर के चुराने जैसा। तो यार तुम लोग थक गए होगे ना काम करते करते, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम लोग और काम करो, तुम्हें क्या लगा था मैं छुट्टी बोलूँगा, ना 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 चुपचाप काम करते रहो, बस फ्यूल देख लेते हो जाते जाते, फ्यूल कम होगा तो फ्यूल का टैंकर मंगा लेंगे, 26% फ्यूल है तो रुक जाओ एक सेकेंड देना, मैं और टंकी फुल कर देता हूँ, आ जाओ टैंकर आओ, फ्यूल भरो, तुम लोग काम करो, मैं चार हूँ घर पर, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा, बच्चे के लिए अब तो कैंडी भी लेकर जानी है, माँ के लिए दवाई बहुत दिन से नहीं लेकर गए तो दवाई भी लेकर जाएंगे। अभी मेरे पास में 1196 डॉलर्स हो गए हैं, जिसमें से 100-150-200 डॉलर के अराउंड सुबह तक पैसे कट जाएंगे आई गेस, उसके बाद में फिर जो भी अमाउंट बचेगा उसी के अंदर हमें सारी चीज़ें मतलब सारे खर्चे करने होंगे। भाई सुबह से थक हार के मैं अब अपने बच्चे से मिलूंगा, अरे मेरा मुन्ना मेरी जानू, 100% लव है तुम्हारा। सो जाते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है सुबह उठने के बाद, देखिए हमारा उल्टा है, हम रात में काम नहीं करते, हम सुबह उठते हैं उसके बाद में काम करते हैं, ठीक है। बेब 97 हो गया तुम्हारा प्यार, कहाँ घूम रहा है भाई बुड़बक, अब भी आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा पहले माइंड फ्रेश करेंगे काम को जाने से पहले, उसके बाद फिर समझ रहे हो। अब तो फुल पैसा खर्च होगा भाई, फुल पैसा खर्च होगा मुन्ना, वो सॉरी बेटे, मेरे मुन्ना के लिए कैंडी दे दे, तू मेरी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर दे दे, और तू मेरी माँ के लिए दवाई दे दे, ठीक है तीनों चीज़ें आ गई हैं अपने पास, लेट्स गो टू अपने घर। मेरे मुन्ना तेरे लिए मैं टॉफी लाया हूँ, ले 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 बेटे टॉफी ले, यार इज योर कैंडी, 67 हो गया तेरा पार, माँ की दवा कहाँ है, माँ मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया, 87 हो गई माँ की दवाइयाँ। अरे कहाँ जा रहा है, एक तो ये तिरेंगते रेंगते कहाँ निकल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, घूमता रहे तू, अच्छा अच्छे बाहर गया, मेरे को कुछ काम है, ठीक है हे भाई लेट्स गो। आज तो भाई दिल तो बंद कर रहेगा, दिल तो बंद कर रहेगा, दिल तो बंद करेगा, क्लिक करना पड़ रहा बहुत तेज, यू बिकम अ फादर, एक और बार कहा गया मेरा मुन्ना दूसरा, अरे रेंगते रेंगते रोड पर निकल रहा है, ऐसी कैसी माए उठा ले इसको अरे भाई रेंगते रेंगते रोड पर निकल रहे, मेरा ना खर्चा बढ़ता जा रहा है मेरा तो, ऐसा लग रहा है भाई क्या हम और कुछ नहीं कर सकते भाई दो दो घूम रहे ना, देखना तुम, मैं ना घर के अंदर पूरा ऐसा रश कर दूंगा, फुल बूम बाम। कहा गया अरे कीड़े मकड़ों का जैसा घास में रेंग रहा भाई, अरे तू कहा बाहर को आ रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है, तेरे को शर्म नहीं आती, जा अपने बच्चों को देख, वहां मिट्टी में खेल रहे अभी हुए नहीं तो भाई मिट्टी में दोनों भाई, चलो दोनों भाई का अब दिल लगता रहेगा, मेरे को देख के रेंगना चालू कर रहा है, ऐसे तो घूम रहा पूरे मार्केट में, चल ठीक है तुम जाओ इधर, बहुत काम कर लिया, बहुत ज्यादा ही काम कर लिया भाई आज हमने, कितनी सारी कारें खड़ी हुई है यहाँ पर, लाइन लगा दी ये लोगों ने, अच्छा हुआ मैंने और वो नहीं किया भाई, लेवल अपना अपग्रेड नहीं किया है, लेवल अपग्रेड कर लेता ना तो फिर हो जाता। सामान खत्म हो रहा है अपने पास धीरे धीरे करके, और सामान अपने को वो करना पड़ेगा, $1000 का और कैश आ गया भाई, देख रहे हो $1000 का और कैश, कहा गया सोलार,
या फिर एक कैमरा $180 का है ना, पहले कैमरा मंगाता हूँ मैं, ठीक है भाई ये कैमरा ला कर दो मेरे को जरा। कैमरा लाते और वो करते, अरे कितना सारा ट्रैश होगा भाई। ये कर लिया हमने ट्रैश क्लियर, 1 2 और जाएगा डस्टबिन में। 36 पॉइंट कितने, 2 मीटर। यहाँ पर लगाओ चोर के साइड, या फिर यहाँ पर लगाओ, इधर का एरिया देखता रहेगा, या फिर शॉप के अंदर। शॉप के अंदर लगाने के लिए जगह नहीं है ना, क्या किया जाए, कहाँ पर लगाया जाए। देखो चार चार कैमरे आ रहे हैं, चोर के साइड से लगाऊंगा या फिर चोर के साइड से लगाता हूँ, ये ज़्यादा अपने हेल्प करेगा भाई। और इसको देखूंगा कैसा, मैं कैमरा ऑन करूंगा तो ये तो नहीं है सिक्योरिटी। हाँ ये रहा अपना कैमरा, चलो ठीक है। ओ घूमने वाला कैमरा, ये तो चारों तरफ घूमता रहेगा। ये मशीन से पैसा जो आ रहा है वो जा रहा कहाँ है, मेरे को इसके अंदर से कलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा अपने को, एक डस्टबिन और मंगा ले तो यार। बट नहीं नहीं रहन दो, इसको कर लेंगे बाद में हम इसी के अंदर। ट्रैश कैन होने के बावजूद भी ये सारा पसारा ना इधर ही कर रहे हैं, इधर ही फेंक रहे हैं सारा पसारा। अब एक और एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, किस चीज के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, ठीक है। अब वो चीज ना ज्यादा जरूरी हो गई है, बट हम एक काम करते हैं, हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज 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 मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना भाई। अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन करना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यस मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।